Lively Weekends, Lively Weekends, जो भी खाए कहता जाए, Lively Weekends, प्यार बढ़ाए, Lively Weekends, Lively Weekends. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मैं हूं आपकी शेफ़ शाजिया नूर, लेकिन आज मैं होस्टिंग कर रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, और ये रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत अच्छे से और बहुत इबादत करके गुजार रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, अपने दस्तखान वसी कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपको अपने आप को वेलकम करती हूँ आज एज ए होस्ट। तो मैं जो हूँ आज इनवाइट करूँगी शेफ़ इसरार अहमद को, जो कि लेजेंड होटल से तशरीफ़ लाए हैं। आज ही तशरीफ़ लाइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप मुझे बताएं कि लेजेंड होटल में आप अपना बताएं मेन्यू क्या है और आप वहाँ कैसे पहुँचे? जी, मैं एक्चुअली बेसिकली मैंने स्टार्ट तो काफ़ी पहले 7-8 साल हो गए मुझे बुरबन से मैंने लिया था। इसके बाद काफ़ी होटल्स में मैं रहा हूँ। अभी लेजेंड की शुरुआत से मैं हूँ। हमने 2 साल हुए हमें तकरीबन लेजेंड लॉन्च किए हुए, और ओपनिंग में मतलब ओपनिंग से मैं लेजेंड के साथ हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल। और अभी जो है हमने इस्लामाबाद लेजेंड के अलावा हमने मज़ीद चित्राल में अपना लेजेंड होटल एक खोला है, स्कर्दू में खोला है। अच्छा। हुंजा में खोला है। अच्छा। और बहुत अच्छी प्लेसेस पे हैं। nice. जी, वेरी नाइस। अभी हमारे पास लेजेंड इस्लामाबाद में जो मेन्यू है, आजकल तो रमज़ान के हवाले से हमारे पास चल रहा है, हमारा इफ्तार कम डिनर है, बहुत रिजनेबल रेट्स पे है, बहुत डिस्काउंटेड हैं। हमारे पास काफ़ी बैंकिंग के साथ हमारे अलायंसेस हुए हैं, तो बहुत यानी कि एक प्रमोशनल हमने मेन्यू क्या है आपका वहाँ पर? मेन्यू में हमारी काफ़ी डिशेस हैं। एक तो जैसे रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो समोसे पकोड़े बार चाट बार वगैरह ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा देसी फूड भी है, कॉन्टीनेंटल भी है, चाइनीज़ अच्छा, भी है, बारबेक्यू स्पेशली हमारा बारबेक्यू बहुत बेहतरीन है, और मटन की है, फिश है, बहुत अच्छा सा हमने मेन्यू बनाया। इसके अलावा हम इंशाल्लाह क्वाली नाइट करने जा रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। आफ्टर 10 रमज़ान हम इंशाल्लाह क्वाली नाइट भी करेंगे। तो मैं लोगों से सबसे ये कहूँगा कि आप ज़रूर आइएगा एक बार, स्पेशली हमारा टेस्ट जो है लेजेंड का फूड टेस्ट, वो ज़रूर। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करूँगी आपका भी और अजीम साहब, अजीम कुरैशी साहब का भी, जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लेजेंड होटल के, कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद से ऑल द वे चल के। और मैं नाज़रीन से एक सवाल भी करूँगी कि अगर आपके पास कोई एक अच्छी सी छोटी सी बात है तो आप ज़रूर शेयर करें, और उस पर आपको इनामात जीतेंगे आप। हाँ, उसके लिए मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं, वाउच 365 है हमारे पास, लाल किला के हमारे पास इफ्तार और डिनर के कराची के वाउचर्स भी हैं, और लेजेंड होटल के इस्लामाबाद के वाउचर्स भी मौजूद हैं इफ्तार और डिनर के। तो अच्छा, आज आप अपना बताएं, आज हमारे साथ आप लोग क्या सिखा रहे हैं व्यूवर्स को? जी, मैं आज डिशेस जो हैं मेरी रेसिपीज़ हैं, इसमें हम अम्बाला चिकन हंडी है, वेरी नाइस, मद्रासी मटन है, रोजमेरी एंड क्यूकम्बर कूलर है, चीज़ हॉट शॉट है, वेरी नाइस, हर पास्ता सैलेड है। इतनी अच्छी अच्छी डिशेस ये बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये जी ये बेसिकली हांडी का, जी जी हांडी के बारे में बताएं जो आप बताना चाह रहे हैं। बेसिकली अम्बाला चिकन हांडी है, ये मुगलाई तर्ज पे हम बनाएंगे इसको। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हम उस पे जाके तो ज़्यादा बेहतरीन से नाज़रीन को बता सकते हैं। हाँ, अच्छा जी जी। और इसके अलावा आपकी क्या स्पेशलिटी है, आप मुझे बताएं? मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉन्टीनेंटल की है, लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ पे मुझे लर्निंग नज़र आए मैं वहाँ ही आप कह सकते हैं कि घुस जाता हूँ वहाँ पे। तो पाकिस्तानी फूड से मेरा बहुत अटैच अभी है, बारबेक्यू वगैरह, और बड़ा अच्छा मुझे लगता है उसमें इसको करना। अच्छा। तो आप जानते हैं ये एक समंदर है, तो इसको लर्निंग चलती ही रहती है इसकी। अच्छा। लेकिन यह है कि एज एग्जीक्यूटिव शेफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा नॉट 100%, लेकिन काफ़ी कुजींस पे मतलब
अच्छा। और कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में एज अ शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ? 7 से 8 साल हो गए मुझे। माशाल्लाह, और लाइवली वीकेंड में आपको आके कैसा लग रहा है सब मुझे ये बताएं। जे प्राउड फील हो रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। लास्ट हमने हम साला के साल दिसंबर में क्लास की थी इस्लामाबाद लेजेंड में। अच्छा, तो उसके बाद आज मुझे मौका मिला है। तो मेरे साथ जैसे आपने बताया अजीम साहब ने आना था। हाँ, तो वो यूनिक स्पोर्ट है सारी। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और वापस आएंगे तो हम ये शेफ इसरार से कुकिंग सीखेंगे। टेक अ ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए। वेलकम बैक नाजरीन, और आप मैं आपसे अभी छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी अपने कॉल करके हमसे भी कोई अच्छी सी छोटी सी बात शेयर करें और इनामात जीतें। हमारे पास मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं, 360 के वाउचर्स हैं, हमारे पास लाल किला के इफ्तार और डिनर के वाउचर्स हैं, और हमारे पास लेजेंड होटल इस्लामाबाद के डिनर इफ्तार के वाउचर्स हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कितने खुशनसीब हैं हम कि अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में रमज़ान अता किया, और रमज़ान सबर का महीना है और सबर जन्नत का इनाम। तो इसी तरीके से आप भी हमें कॉल्स करें और इनाम जीतें, और हम चलते हैं शेफ़ इसरार की तरफ कि वो हमें सबसे पहले क्या पकाना सिखा रहे हैं, पूछते हैं उनसे। जी शेफ़ इसरार, सबसे पहले आप क्या पकाएंगे? अच्छा, सबसे पहले क्या जो सिखाएंगे? हम चिकन हांडी बनाते हैं, अम्बाला चिकन हांडी बनाते हैं। अच्छा, उसके लिए हमारे पास इन्ग्रीडियंट्स हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स तो मेरे ख्याल में हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। हाँ, कटिंग। हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स बताते जाएं जी, आप हमें। हमारे पास अनियन है, गार्लिक जिंजर पेस्ट है। हाँ, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हुए बताएं। जी जी, आप स्टार्ट करें। हाँ, ये कितनी चिकन है? ये तकरीबन 400 ग्राम्स चिकन है। जी ठीक है। इसको ये थाई चिकन है बेसिकली, बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं ये 400 ग्राम्स। और इट साउंड्स गुड के रेसिपी, मुझे जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने लिए हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। वैसे रमज़ान है, अगर रमज़ान नहीं होते तो हम टेस्टिंग करते हैं आपके खाने की। अभी रमज़ान है तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आई होप कि आप अच्छा ही करेंगे जो भी बनाएंगे। बाद में ट्राई करके टेस्ट कर दीजिए। हाँ, इफ्तार के वक्त अगर यहाँ हुए तो ज़रूर ट्राई करेंगे। नहीं, आप ख़ुद से भी मतलब घर में बना सकते हैं। हाँ, आपकी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, सारे इंग्रेडिएंट्स। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये कट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास कॉल्सन ब्रांड है, चूँकि आप जानते हैं कि फाइनेस्ट क्वालिटी है, और फाइनेस्ट क्वालिटी है ये कॉल्सन ब्रांड की हमारे पास। और इसमें 6 डिफरेंट किस्म के जो हैं हमारे पास कॉल्सन के शेप्स हैं। मैक्रोनीज़ है इसमें हमारे पास, इसमें पास्ता है, एग पास्ता है, एग नूडल्स हैं इसमें हमारे पास, लज़ानिया है हमारे पास इसमें, और इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें रेसिपी मिक्स भी मौजूद है, तो आपके लिए बड़ा आसान है कि आप लोग इसको कुक कर सकते हैं। रेसिपी मिक्स निकाला और बनाया, कुक किया फटाफट इफ्तारी में, डिनर में अपने घर वालों के लिए, बहुत आपको आसानी दी हुई है रमज़ान के लिए। और हमारे पास ये समर रस भी है यहाँ पर मौजूद, और बहुत सारे हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट के भी बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स रखे हैं जो हम यूज़ भी कर चुके हैं। मैं भी अपने रेसिपीज़ में, आप देखते होंगे सैटरडेज़ को मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए। तो अच्छा, ये जो शेप है ये देख रहे हैं आप चिकन का, क्यूब है, क्यूब में काट रहे हैं बेसिकली। थाई चिकन है तो प्रॉपर क्यूब तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हमने फिर भी इसको क्यूब शेप देनी है, क्यूब शेप देनी है सारे। तो क्योंकि जो भी अलग अलग डिशेज़ होती हैं उनके कुकिंग के अलग अलग स्टाइल होते हैं, तो चिकन के शेप्स भी डिफरेंट होते हैं कुकिंग के हिसाब से, इसको आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पे पानी उबल रहा है जी, एक्चुअली ये मैंने कहा है पास्ता, हम इसमें बॉईल करेंगे। पास्ता मैं डाल देती हूँ अगर आप बोलें तो। जी अगर प्लीज़, अगर आप। अच्छा, हमारी नेक्स्ट फ्रेश स्ट्रीट का देखें, यही पास्ता की रेसिपी है, तो हम टाइमली कॉल्सन का पास्ता हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, लार्ज एल्बो पास्ता है ये।
और इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। मैं ये इनकी हेल्प कर देती हूँ। हाँ आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब आ रही है। अच्छा, कॉल्सन, हम यहाँ पे कॉल्सन पास्ता बॉईल कर रहे हैं जो कि एल्बो मैक्रोनी है, ठीक है, और बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी है ये, आप भी यूज़ करें। इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, इनकी रेसिपी मिक्स भी है, और अपने घर में लाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। जी इसमें आप और कुछ डालेंगे, नमक या ऑयल? हाँ, ऑयल डालेंगे इसमें। तो ऑयल हम ऐड कर देते हैं। ऑयल आप ऐड कर, मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा तक जुड़े ना। अच्छा, मैं भी कुकिंग करती हूँ ना एवरी सैटरडे, तो मुझे ऐसी आदत है कि मैं चीज़ें उठा के खुद ही सॉल्ट भी हम ऐड कर, सॉल्ट भी ऐड कर दें इसमें। वन टीस्पून सॉल्ट चला गया इसमें, ऑयल चला गया। ओनली वन टीस्पून, बाद में भी ऐड कर सकते हैं जब इसकी प्रोडक्शन करेंगे अभी। सही। अच्छा, हम हांडी बनाना स्टार्ट करेंगे अभी। अच्छा नाज़रीन, आप कॉल्स करें और इनामात जीतें। हमारे पास मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं, हमारे पास लेजेंड होटल के वाउचर्स हैं, इस्लामाबाद के अफ्तार डिनर के, लाल किला कराची के अफ्तार के और डिनर के वाउचर्स हैं। कॉल्स करें और इनामात जीतें। तकरीबन 5 से 6 स्पून टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। मैं ऑयल लिया है जी। अब इसमें आप इसको हीट करने के बाद इसमें हम सबसे पहले ऑनियन ऐड करेंगे। ये अनियन कितनी है? तकरीबन एक है। एक अनियन चॉप। हाँ, एक अनियन चॉप। इसमें इन्होंने ऑयल में अनियन ऐड किया है। इसको ब्राउन करेंगे, ज़रा सौते करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे भी इसकी आँच हम हल्की कर देंगे, इसको बिल्कुल हल्की कर देंगे। ये ब्राउन हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हमारे बताएंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। कुकिंग के बारे में बताएं, आपने कब से आपको शौक स्टार्ट हुआ कि आपने कुकिंग स्टार्ट की? बेसिकली कुकिंग शौक मुझे जो हुआ है, मेरे जो वालिद साहब हैं वो बेसिकली इसी शेफ़ हैं, तो मैं अक्सर वो बुर्बन में शेफ़ रहे हैं, तो मैं अक्सर उनके मतलब जाता था होटल। अच्छा। तो मैं देखता था उनके ऑपरेशंस को, किचन के मामलात को, और सारा वो मुझे बड़ा ना अट्रैक्ट करता था। अच्छा। उसके बाद मतलब मेरा भी बहुत जेन इस साइड पे मेरा भी आया कि मैं भी एक क्यों वो होता है ना कि लाइक फादर लाइक सन, बिल्कुल वही बात होती है। तो ये आता है जनरेशन में शौक। जैसे मुझे भी, मेरी मदर को बहुत कुकिंग अच्छी करती थी, तो मैं उनसे सबसे पहले तो ज़ाहिर कहते बेटी माँ से इंस्पायर होती है जी। मुझे भी उनसे ही शौक पैदा हुआ था जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की। सही सही। और फिर मैं भी इसी फील्ड में आ गई। तो आज हम किरण को बहुत मिस कर रहे हैं, किरण अगर देख रही हैं तो, मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ किरण को। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगी। तो इसके बाद आपने इसको ज़रा सा हिला दीजिएगा। अच्छा, उससे आप ज़रा इसको हिलाएं मैं, ताकि अच्छा। इसको साथ साथ, हाँ ये चिपक जाता है। अच्छा, अभी इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। तकरीबन हमारे पास 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। हल्का कर दें ताकि आपको,
टू टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और अब चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड कर चिकन को ब्राउन कर रहे हैं ये। जी बिल्कुल, हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जी, कि फ्राई हो जाए। और यहाँ पे मैक्रोन भी ऑलमोस्ट हो गई हैं पास्ता। इसको मेरे हाल में ना आप एक दो मिनट के लिए दम पे लगा दें, अच्छा ऑफ करके। अच्छा नाज़रीन, इन्होंने ऑयल ऐड किया, फिर उसके बाद अनियन ऐड की इसमें, फिर उसके बाद गार्लिक पेस्ट ऐड किया, गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड किया, चिकन पेस्ट किया, अब चिकन ऐड की, इसमें डाला चिकन ऐड की जी। अब इसमें हम पिनट सीड्स सौंफ, अच्छा सौंफ ऐड करें ताकि हमारे इसमें ऑयल में, वेरी नाइस, इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे यूज़ कर रहे हैं नाज़रीन शेफ इसरार। और ये लेजेंड होटल इस्लामाबाद से तशरीफ लाएँ स्पेशली। अच्छा आपको और अभी कुछ इसमें ऐड करना है तो बता दें हमें इंग्रेडिएंट, फिर हम उसके बाद ब्रेक पर बिल्कुल जाएंगे। अभी इसमें हम टमाटो पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, ये टमाटो पेस्ट कितना डाला आपने? ये तकरीबन चार टेबल स्पून है, चार टेबल स्पून इसमें टमाटो पेस्ट ऐड किया। और इसी के साथ ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देंगे, चॉप ग्रीन चिलीज हैं दो, ये थोड़ी बड़ी हैं, अच्छा इसीलिए मैं 1.5 यूज़ करूँगा। और वो तेज़ भी नहीं होती ये वाली, ये हाँ, वाली चिलीज इतनी नहीं होती, ये वाली चिलीज काफ़ी अच्छी होती हैं बिल्कुल। ये चिलीज ऐड चली गई, हो गई इसमें। और इसके बाद हम इसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है, तो वो ब्रेक से आके आप डाल दीजिएगा। ठीक होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा नाजरीन, हम ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं कि शेफ इसरार आगे क्या करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ पे अम्बाला हांडी बन रही है, तो अम्ब्रेला हांडी बन रही है, अम्बाला बोल रहे हैं वो, अम्बाला चिकन हांडी, अम्बाला चिकन हांडी। तो देखते हैं ये नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो बताएं आपने इसमें और क्या क्या ऐड किया। इसके बाद हम पहले जरा आप रीकैप कर दें जो आपने इसमें ऐड किया। इसमें जस्ट मैंने टमाटोज ऐड किए थे और ग्रीन चिली ऐड की है, टमाटो पेस्ट, ठीक है, रेडीमेड टमाटो पेस्ट ऐड किया, उसके बाद ग्रीन चिली, और अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। बताते हैं इसमें टर्मरिक पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है राउंडली 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड हो गया, ग्रीन चिली पाउडर है, सॉरी रेड चिली पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, 1.5 ब्लैक पेपर पाउडर है, ये मैं 2 टीस्पून यूज़ करूँगा, सॉल्ट फॉर टेस्ट, साथ साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि जब मैं भी शुरू में आई थी मैं बड़ी घबराई हुई थी, शुरू के कई शोज में मैं घबरा ही रही नहीं एक्चुअली एक होता लेकिन है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स होके पकाएं। ये आपने धनिया पाउडर डाला है, धनिया पाउडर है, कितना डाला है? क्यूमन, ये मेरे 1.5 टीस्पून, और ये क्यूमन पाउडर ऐड कर रहे हैं नाजरीन ये जी। और अभी एंड पे हम इसको गरम मसाला मारेंगे, थोड़ा सा अगर आपने पानी ऐड करना है, मसाला चल रहा है तो पानी हम अभी ऐड नहीं करेंगे इसमें, अच्छा हम इसमें डायरेक्टली मिल्क क्रीम ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये कितनी है इसकी बुनाई? ये हाफ कप मिल्क क्रीम ऐड कर, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है नाजरीन,
ये जो पक रहा है भुन रहा है बड़ा मज़े का बनेगा लग रहा है ये यमी सा, लेकिन अभी रोज़ा है हमारा। नहीं खुशबू से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हाँ खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसको बिल्कुल माइनर हम हीट कर देंगे इस पर अभी। अच्छा इसमें एक और इंग्रेडिएंट है ये भी जाएगा, ये एंड में हम ये एंड में डालेंगे। ये क्या है? ये तिल पाउडर है, तिल का पाउडर। वेरी नाइस। बहुत मज़े के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें अभी कसूरी मेथी है जो, ये भी हम डाल देते हैं। ये कितनी डाल रहे हैं कसूरी मेथी? ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी इसके लिए नफ है। तकरीबन हमारी हांडी रेडी है। अभी हम इसको फाइनली 2 टीस्पून बड़ी जल्दी देखें नाजरीन ये पाउडर तैयार हो गई। ये तिल का पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। तिल को आपने कूट लिया या पीस लिया? जी पीस लिया। अभी आपको इसकी खुशबू से अंदाज़ा हो रहा होगा। हाँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है नो डाउट, और रोज़ों में तो ज़्यादा ही आपको पता है खुशबू आती है। बिल्कुल। इसको हम गार्निश कर देते हैं। अच्छा जी हमारे पास इस्लामाबाद से कॉलर मौजूद हैं, सवेरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप और सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खुश खुर्रम। और आप सुनाएं? मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ शेफ इसरार की। अच्छा वेरी नाइस, शेफ इसरार आपकी फैन है। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद से कॉल आई है, बहुत शुक्रिया। बात करें शेफ इसरार से? मैं ठीक सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी साथ साथ लिख रही हूँ और आपकी रेसिपी आज अफ्तारी में जरूर ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। जी जी जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएगी। जी बहुत अच्छी, आपकी हर रेसिपी अच्छी है सर। थैंक यू, बहुत अच्छा। आप हमारे सवाल का जवाब देंगी जो मैंने पूछा था शुरू में प्रोग्राम के, कि कोई आप छोटी सी अच्छी बात शेयर करें तो आपको इनामात मिलेंगे। हेलो चली गई शायद। मैं कहती हूँ कि हमें जो कुछ आता है ना हमें दूसरों को सिखाना चाहिए। ये चीज़ मैंने इस होटल में जाके सीखी है, इनके पास भी जा। अच्छा वेरी नाइस। मुझे वैसे सुनने में थोड़ा सा समझ नहीं आया आवाज़ आपकी, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। हेलो चली गई, ड्रॉप हो गए। बहुत शुक्रिया सवेरा, बहुत शुक्रिया सवेरा आपका कॉल करने का। ये रेडी है हमारे पास। अच्छा जी रेडी, हांडी तैयार हो गई है, बिल्कुल मज़े की लग रही है। सॉरी बिल्कुल। तो अब आप नेक्स्ट रेसिपी हमें क्या सिखा रहे हैं? अच्छा नेक्स्ट अब हम बनाएंगे मद्रासी मटन। मद्रासी मटन साउंड गुड। हमारे पास राउंडली 400 ग्राम्स मटन है। अच्छा तो होल इसमें हम जी मुझे कढ़ाई यूज़ कर लेंगे। अच्छा इसके बारे में बताएं, ये मटन आपने बॉईल करके रखा है और इसमें क्या क्या ऐड किया है? जी जस्ट मटन है, सिंपल मटन है। मटन को बस बॉईल कर लिया। जी हाँ सॉल्ट डाला है थोड़ा सा। जी बिल्कुल बॉईल कर लिया इन्होंने, बॉईल करके मटन रख दिया। अच्छा मद्रासी मटन है हमारे पास, होल क्लव्स गार्लिक है, इसके बाद हमारे पास होल सिनेमन स्टिक्स है। बस आप स्टार्ट कर लें उसी के साथ साथ आप अपनी रेसिपी इंग्रेडिएंट्स। ठीक है हम साथ साथ कर लेते हैं। इसमें हम ऑयल डालेंगे, फिर आप साथ साथ इंग्रेडिएंट्स भी बताते जाएं नाजरीन को, ताकि नाजरीन भी सीख जाएं अच्छी अच्छी रेसिपीज। जी 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया हमने। और ये कहाँ की डिश है? ये बेसिकली मद्रास से इसकी निकली है मद्रासी हांडी। अच्छा तो हम ऑनियन चॉप कर लेंगे थोड़ा सा। अच्छा इसमें एक अनियन जाएगी? हाँ स्लाइसेस बिल्कुल। और आप रोज़े रखते हैं? रोज़े जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा कभी नहीं छोड़ा। अच्छा वेरी नाइस। और नाज़रीन कॉल करें आप भी सवालात के जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? कैसी हैं शाजिया?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बताएं आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर अभी तक गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हुई है, लेकिन यह है कि रोजे अच्छे रखे जा रहे हैं। और जो है आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है, आज आप नहीं बना रही लेकिन ये शेफ जो है बहुत अच्छी रेसिपीज बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत मजे की लग रही हैं और रोजा है लेकिन जी बिल्कुल क्या कर सकते हैं। और पास्ता भी और ये सारी चीजें जो बना रहे हैं बहुत जबरदस्त हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही बन रही हैं। और बनाएंगे हम इंशाल्लाह, इनकी रेसिपीज ट्राई करेंगे। और जो है बहुत अच्छा शो होता है, आज किरण को बस मिस कर रहे हैं। हाँ किरण को तो मैं भी मिस कर रही हूँ। जी बिल्कुल, और जो है उनकी बातें मजे मजे की बातें होती हैं, प्रोग्राम और अच्छा हो जाता है। तो आज भी अच्छा होगा आप लोगों की वजह से। और जो है बस यही मैं कहना चाहूँगी कि देखें अच्छी और मीठी बात कहना भी सदका है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात बोली आप। जी तो आप वैसे तो हर एक के काम आएँ, दूसरों का ख्याल रखें, लेकिन ये है कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। और बस अगर और कुछ नहीं कर सकते तो अच्छी बातें अच्छी बात करें, क्योंकि मीठी बात करना भी सदका है। और बस किसी को तंग नहीं करें, किसी को परेशान नहीं करें और अच्छे से रमजान। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने बताई। और क्योंकि रमज़ान में तो हमें कहते हैं कि रमज़ान सिर्फ रोज़े का नाम नहीं है कि आपने रोज़ा रख लिया और आपने खाना पीना बंद कर दिया। अल्लाह को हमारा ये खाना पीना सिर्फ नहीं चाहिए कि हमने खाना पीना बंद कर दिया, अल्लाह को दूसरी चीज़ें भी चाहिए कि हम कि दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं हमारे। सबसे पहले चलें, वो चली गई। ओके थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया। दो से तीन, अच्छा दो से तीन लौंग ऐड की, अनियन ऐड की, स्लाइस में काट दिए गार्लिक, गार्लिक ऐड कर दिया, ऐड कर दिया है। अब इसमें हम होल, हमारे पास दालचीनी है, ये ग्रीन इलायची है, दो चार अदद ग्रीन इलायची, इसके अलावा जायफल है, ये मैंने 1/2 कर दिया इसको। और जायफल आपने साबुत डाली है? जी साबुत नहीं, 1/2 की है मैंने। अच्छा। जी बिल्कुल, लौंग मैंने पहले भी इसमें डाल दिए थे और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। अच्छा ये मसाले बड़े अच्छे, ये आप इसकी खुशबू अच्छी जी, ये होल होल मसाले, होल मसाले जी। इसमें साथ ही हम होल साबुत लाल मिर्च चली गई, ये कितनी थी वो चिली ऐड कर देंगे, ये 6 to 7 पीस सब कर सकते हैं एज पर। ठीक है, अच्छा आप इसके बाद कुछ ऐड कर रहे हैं तो कर दें कि उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना जी, है। इसके बाद मटन हम ऐड करेंगे और उसको थोड़ा सा भुनेंगे, फ्राई करेंगे भुनेंगे। तो तकरीबन हो ही गया हमारा, हम मटन पहले ऐड कर देंगे। मटन का आप जो है ना ग्रेवी मतलब ये सूप जो है इसका बाद में ऐड करेंगे। जी जी, इसको पहले हम भुनाई करेंगे हल्की सी इसकी। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें हम ब्रेक के बाद आके बता देंगे। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन ने इन्होंने मटन ऐड कर दिया है और कढ़ाई में, तो इसकी बाकी स्टेप जो है हम ब्रेक के बाद, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट इसमें हम टोमेटोज डालेंगे, टोमेटोज ऐड करेंगे जी। अच्छा यहाँ पे टोमेटोज नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं वो सामने रखे हैं, मैं भी कट कर देता हूँ। अच्छा टोमेटोज कैट करेंगे, ग्रेट करेंगे इसको। तो ये शेफ टोमेटोज कट कर रहे हैं ब्रेक में इन द मीन टाइम, तो हम ब्रेक से होकर आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ पे पक रहा है मद्रासी मटन, तो हम वो भी देखते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि हमारा मैगज़ीन आ गया है, मसाला फूड मैगज़ीन अप्रैल का, और आप ये हर जगह मौजूद है सारी मार्केट में, तो आप जाएँ ख़रीदें और रेसिपीज़ ट्राई करें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं इसमें, और रमज़ान में अपने घर वालों को बना के सिखाएँ और खिलाएँ। तो हम देखते हैं कि शेफ़ इसरार ने मद्रासी मटन में क्या ऐड किया। अभी मज़ीद हम इसमें टोमेटोज ऐड कर देंगे। अच्छा ये कितने टोमेटोज हैं? ये चॉप टोमेटोज ऐड कर रहे हैं इसमें, कितने? तीन हमने टोमेटोज लिए हैं। अच्छा बहुत अच्छी डिलीशियस रेसिपी लग रही है ये, आप जरा रिकैप कर दें जो आपने ऐड किया था ताकि लोग
जस्ट मैंने मटन ऐड किया था, उसको बनाई की थी उसकी हल्की सी, और अब मैंने टमाटो ऐड किया और अब इसमें मैं हल्दी ऐड कर दूंगा, टू टी स्पून हल्दी ऐड जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है नाजरीन मटन में से भी। हाँ, अब दोबारा शुरू से आप बता दें कि स्टार्टिंग में जो आपने क्या क्या ऐड किया था इसमें। ऑयल डाला जी, सबसे पहले हमने इसमें ऑयल डाला था, उसके बाद हमने ऑनियन इसमें ब्राउन किया, उसमें फिर हमने लौंग, दो से चार पीस हम लौंग के डाले हमने जी। बिल्कुल, उसके बाद हमने होल जो मसाले हमारे पास थे, दालचीनी थी हमारे पास, जायफल था हमारे पास, ग्रीन इलायची थी हमारे पास, वो हमने डाली है, उसको हल्का हमने स्टेयर फ्राई किया है, और उसके बाद हमने मटन ऐड कर दिया। मटन ऐड, उसके बाद हमने इसमें टोमेटो ऐड कर दिए, चॉप टोमेटोज। अब इसमें हम दो ग्रीन चिलीज़ ऐड होंगी। ये होल चिलीज़ भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़ी हैं, तो मैं सेम एज इट इज़। अच्छा, ये साबुत डाली है इन्होंने ग्रीन चिलीज, वेरी नाइस। नाजरीन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही इसका जो पानी था हमारे पास, हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सूप जो मटन का था जी, उसी में इसको इसकी भुनाई कर रहे हैं जी। इसको ज़रा सा ये हल्का कर दें या पीछे कर दें इसको। अच्छा अच्छा, इसको हल्का थोड़ी देर के लिए हम दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, अब इसको दम पे रख रहे हैं जी, ताकि टमाटर मर जाए। कितनी देर दम पे जाएगा ये? बस दो से चार मिनट। दो से चार जी, ठीक है, ताकि टमाटर का छिलका जो है वो मर जाए। अच्छा, हम ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं टमाटर। अच्छा, अच्छा, इसके बाद आप क्या रेसिपी सिखा रहे हैं? अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे चीज़ हॉट शॉट। चीज़ हॉट शॉट जी, उसके लिए हमारे पास मोज़रेला चीज़ है, हमारे पास ब्रेड क्रम्ब है। हाँ, ये आप बनाते हुए प्रिपेयर करते हुए हमें बताते जाइएगा वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। अच्छा, आप मुझे शेफ़ आप ये बताएं कि आपको टाइम मिल जाता है घर वालों के साथ इफ्तारी करने का या घर वालों के लिए इफ्तारी बनाने का? टाइम तो वो शॉर्ट सा ही होता है। अच्छा, अभी ये कि अभी ये काम भी शुरू करते जाएं, काम करते जाएं फिर आप बात करते रहें जी साथ साथ, क्योंकि अभी हमारी रमज़ान में मसरूफियत कुछ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इफ्तार का हमारा होता है मेन्यू होता है, उसके बाद सहर का मेन्यू होता है, तो इसलिए अभी तक मैंने कोई एक इफ्तार घर में नहीं किया। अच्छा, इसको भी थोड़ी अच्छा ये मैं भून देती हूँ, आप जब तक वो रेसिपी स्टार्ट कर दें हॉट शॉट्स की। ठीक है, इसको भूनना है? हाँ जी, नहीं अभी भूनना नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर दम पे रहने। ठीक है, ये दम पे रहेगा और ऑयल का हल्का सा आंच चला देते हैं ताकि थोड़ा सा ऑयल गर्म होने भी टाइम लगे। अच्छा नाजरीन, चीज़ हॉट शॉट। अच्छा नाजरीन, हमारे पास मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं, हमारे पास लाल किला कराची के वाउचर्स हैं, हमारे पास लेजेंड होटल्स के अफ्तारी और डिनर के वाउचर्स हैं, तो आप कॉल इस्लामाबाद के और कॉल्स कीजिए और जीतिए, और आप शेयर कीजिए अपने व्यूज़। और रमज़ान का आप बता सकते हैं, रमज़ान का रूटीन भी क्या है आपका, और रोज़े में आप क्या क्या बनाते हैं अपना बता सकते हैं, आप मेन्यू शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और जीत सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे इनामात। तो यहाँ पे देखते हैं, ये स्टार्ट किया इन्होंने, ये कौन सी चीज़ ली है आपने? ये मोज़रेला चीज़ है। मोज़रेला चीज़ जी, और कितनी है ये? ये तकरीबन 250 ग्राम। 250 ग्राम मोज़रेला चीज़ है। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इसके लिए बैटर बनाएंगे, उसके लिए एक एग, इसमें कॉर्न फ्लोर आएगा, सॉरी मैदा आएगा, इसमें मैदा आ गया 2 टेबल स्पून, नहीं 4 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून,
एक अंडे में 4 टेबल स्पून मैदा ऐड किया। हाँ, इसका एज पर क्वांटिटी हम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बनाना है तो फिर जाहिर सी बात है हम उसको डबल कर। जी, कॉर्नफ्लोर हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड हो गया। ब्लैक पेपर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून वाइट पेपर है हमारे पास 1 टेबल स्पून। सॉल्ट एज पर टेस्ट, और रेड क्रश चिली है, ये थोड़ी मैं तेज़ रखूँगा इसमें। अच्छा, ये ज़रा चटपटे से हॉट शॉट्स बनेंगे। आप इसको ज़रा साथ एक बार देख लीजिए। इसको बंद कर दूँ? नहीं, भून दूँ? हाँ, हल्का सा बुनाई कर दें। अच्छा, मैं कर दूँ? बिल्कुल, अभी ये बुनाई मांग रहे हैं क्योंकि मैं जो ना किचन में बग़ैर हाथ चलाए रह नहीं सकती, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ना थोड़ा। अच्छा है, मुझे हेल्प मिल जाएगी। हाँ, लेकिन अभी शेफ़ आप हैं और मैं होस्ट हूँ, इसलिए गोश्त ना देखें बहुत अच्छा सा गला हुआ है, सॉफ्ट सा, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं चला रही क्योंकि टूट जाएगा। ये कंप्लीट है शेफ हमारी रेसिपी? जी, अभी इसमें हमने मस्टर्ड ऐड करना है, इसको बुनाई करके ना, बुनाई एंड पे हमने जस्ट मस्टर्ड ऐड करना है इसमें। इसमें पानी थोड़ा सा मैं। अच्छा, ये हॉट शॉट्स में आपने पानी ऐड किया है? हल्का सा मैंने पानी किया है वो बैटर को, बैटर थिकनेस उसकी कम करने के लिए। अच्छा, ये टोमेटोज इसमें पूरे बिल्कुल भुन जाएंगे, फिर उसके बाद आप इसमें ये फ्रेश मस्टर्ड का मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, तो इससे मज़ा जो है। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो आप हॉट शॉट्स का बता दें इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं। अभी इसमें हम जस्ट चीज़ ऐड करेंगे इस बैटर में, और इसको हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, ब्रेड क्रम्ब हमने और फ्राई करेंगे। ठीक है नाजरीन, ये इसमें इसको बैटर में जो बनाया था इन्होंने उसमें ऐड कर दिया चीज़ को, ब्रेड क्रम्स लगा के ये इसको फ्राई करते हैं। इतनी देर में हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं, टेक अ ब्रेक। नाजरीन, और यहाँ पे मद्रासी मटन देखें बड़े मज़े का लग रहा है, तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट, बस इसमें आखिरी स्टेप है, हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड करना है। अच्छा, ये मस्टर्ड पेस्ट है फ्रेश स्ट्रीट का नाजरीन, और इनके काफ़ी सारे सॉसेज हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी यूज़ कर चुकी हूँ, आप देखते होंगे। इसमें देखें सैलड क्रीम है, पास्ता सॉस है, और ब्लैक पेपर मायो है, मेयोनीज है, और फिली सॉस है। ठीक है नाजरीन, कितना ऐड किया आपने मस्टर्ड? मैंने 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऐड कर दिया, और ये मैं 2 टी स्पून या 1 टेबल स्पून राउंडली हम कोरिएंडर पाउडर यूज़ कर लेंगे। ये हमारी डिश तैयार है। अच्छा, ये कितना ऐड किया आपने? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें आपने? जी, ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हमने ऐड कर दिया। अच्छा, इसको हम अब डिश आउट, हमारे पास टाइम नहीं है शेफ, तो आपको ज़रा तेज़ी से करना पड़ेगा। ये रेडी हो गया हमारे पास, डिश आउट कर लेंगे हम। अब हम जाते हैं चीज़ हॉट शॉट की तरफ। इसको ब्रेड को, इसको चीज़ को हमने ब्रेड क्रम्ब लगा दी थी, हॉट शॉट फ्राई कर रहे हैं, हमने रखा हुआ है इस पर। इन्होंने नाजरीन देखें आप ब्रेड क्रम्ब लगाए, बड़े मज़े के बनेंगे ये। अभी इसको जस्ट हमने अभी फ्राई करना है, मुझे स्ट्रेनर चाहिए उसके लिए हैंड, ये अच्छा इसको डिश आउट कर देती हूँ मैं। ऑयल हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है, इसको हमने हल्का गर्म रखना है हमने, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्ब है और चीज़ है ना, तो एकदम से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, जस्ट हमने 1 से 2 मिनट में हम इसको फ्राई करके और आउट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम उसके साथ फिर, ये थोड़ा ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हो गया। अच्छा, हम इसको जब तक, अच्छा नाजरीन ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, हॉट हो गया है, तो ये अभी रुक के ज़रा
फिर इसमें हॉट शॉट्स ऐड करेंगे, फ्राई करेंगे। अब आप मैक्रोनीस पर आ जाएं। जी, हॉट बैंड पास्ता सैलड की तरफ आते हैं। इसके लिए हॉट बैंड पास्ता सैलड में हम ये करेंगे कि इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। जी, ये यहाँ से हटा लें। जी प्लीज, हमारे पास ऑलिव ऑयल है तकरीबन 3 to 4 tablespoons ऑलिव ऑयल है। इसकी ड्रेसिंग हम करेंगे सबसे पहले। ड्रेसिंग बता रहे हैं आप? जी, हमारे पास बैल्सामिक विनीगर है। बैल्सामिक विनीगर इसकी 2 tablespoons होगा। 2 tablespoons बैल्सामिक विनीगर क्या? लेमन जूस है। लेमन जूस क्या? ये भी 2 tablespoons होगा। 2 tablespoons लेमन जूस क्या है इसमें? और हमारे पास ड्राई हर्ब्स हैं, ओरिगेनो है। ये कितना डाला आपने? 1 teaspoon ये 1 teaspoon और ये रोजमेरी? रोजमेरी भी है, ये भी तकरीबन 1 teaspoon आएगा। रोजमेरी आ गई। टैरागोन है, ये भी 1 teaspoon आएगा। और इसके बाद हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है, ये 1 tablespoon जी 1 tablespoon है। और सेसम सीड्स हम इसके जो है ये गार्निश में भी करेंगे और इसकी ड्रेसिंग में भी थोड़े से डाल देते हैं। और ऑलिव्स भी हम इसकी ड्रेसिंग में डाल देते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ मिक्सिंग आपने बतानी है ना? जी बिल्कुल, जस्ट ये ड्रेसिंग है और इसमें हम पास्ता डाल के इसको मिक्सअप कर देंगे। हमारे पास फेटा चीज़ है, इसको क्यूब हमने करने हैं। ये भी रेडी हो गया मेरे ख्याल में, ऑयल भी। इसको फ्राई कर लेती हूँ मैं जब तक आप फेटा चीज़ जी आप इसको फ्राई कर दें ताकि हमारे पास टाइम कम है। जी जी, मेल्ट हो गई है ज़्यादा सी। हाँ, गर्मी की वजह से। हाँ, हल्की आंच पे बस हल्का से इसको फ्राई करके आप निकाल दें। बस गोल्डन सा हल्का सा। हाँ, करना हल्का है, गोल्डन कलर देने इसको जस्ट। जी, अच्छा नाजरीन, अब आपने इसमें बस मैक्रोनीस ऐड कर। जी, अच्छा, ये चीज़ के इस तरह के जो होते हैं हॉट शॉट्स बड़े मज़े के लगते हैं। बिल्कुल, रमजान में अफ्तारी में बनाएं आप लोग और मज़े से खाएं। अच्छा, हमें ब्रेक पे जाना है तो सैलड में आप क्या क्या ऐड करें? अभी जस्ट मैंने ड्रेसिंग इसकी बना ली है, हम इसमें लेटस ऐड कर देंगे। लेटस में हम आइसबर्ग भी कर सकते हैं, कोई भी लेटस इसमें ऐड कर सकते हैं। और पार्सली हमें इसकी गार्निश में यूज़ करेंगे। और इसमें अच्छा, तो इसमें हमें मैक्रोनीस जाएंगी और ये सैलड लीफ जाएगा। नाजरीन, तो ये हम ब्रेक के बाद आके ये रिपीट भी कर देंगे। तो हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको आप नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अच्छा, ये भी तैयार हो गई है, इसको ना नैपकिन पे निकाल लेते हैं। अच्छा नाजरीन, इसमें ये कोलसन पास्ता ऐड कर रहे हैं, मैकरोनीज। जी हाँ, ये राउंडली 200 grams होगा। कितनी ऐड किया आपने? 200 grams 200 grams जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसमें 200 grams मैंने राउंडली पास्ता इसमें ऐड कर दिया। नाजरीन, आप भी ये पास्ता बनाएं, इफ्तारी पे बनाएं, डिनर पे बना सकते हैं। और पास्ता सैलड है ये, और बहुत यमी सी लग रही है, बहुत मज़े की। हर चीज़ के साथ पास्ता सैलड। जी, चीज़ थोड़ी मेल्ट हो गई थी इसलिए इसके बीच में डाल दिए ताकि उसमें जुड़े ना, नहीं तो इसको हम गार्निश में यूज़ कर सकते हैं चीज़ को। अच्छा, ठीक है नाजरीन, यहाँ पे पास्ता सैलड रेडी हो गया, रेडी हो गया, हॉट शॉट्स भी रेडी हो गए, शॉट्स भी हमारे रेडी हो गए। और हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताते हैं नेक्स्ट स्टेप। टेक अ ब्रेक। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। Baby, girl.
नाज़रीन वेलकम बैक। और यहाँ पे शेफ़ ने चीज़ हॉट शॉट्स कंप्लीट कर दिए हैं और नेक्स्ट रेसिपी ये बना रहे हैं ककम्बर कूलर। जी रोजमेरी एंड ककम्बर कूलर। ककम्बर कूलर जी, अच्छा इसके लिए समर रस से बना रहे हैं। ठीक है, ये समर रस रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और इसमें नेचुरल हर्ब्स भी हैं। इसमें हम समर रस यूज़ करेंगे। मैंने एक अदद ककम्बर सीडलेस करके उसको इस तरह से काट दिए। कितनी आपने डाली इसमें? एक ककम्बर है। एक ककम्बर जी हाँ। और इसमें बर्फ के मैं क्यूब्स ऐड कर दूंगा। ठीक है, वन कप चार से क्यूब, तीन से चार क्यूब्स जस्ट ऐड करने। इसमें लेमन जूस है मेरे पास, फ्रेश लेमन जूस है। वन टेबल स्पून टू टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस आ गया। और ये अरके गुलाब भी जा रहा है, बेहतरीन ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक लग रहा है और इसमें समर रस जाएगा तो ये और रिफ्रेशिंग हो जाएगा ड्रिंक। बाकी इसमें शुगर एज पर यूज़ आप अपने हिसाब से इसमें यूज़ कर लीजिएगा। टू टेबल स्पून इसमें शुगर गई है नाज़रीन। समर रस भी मीठा होगा तो इसमें तकरीबन में ये हर्बियन का समर रस ऐड कर रहे हैं और बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और नेचुरल एक्सट्रैक्ट से तैयार करता है और रमज़ान में आप यूज़ करें, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। इसमें वाटर कर लेंगे तकरीबन 100 ml वाटर आ गया। हाँ, बस इसको ये ब्लेंड करेंगे और सर्व करेंगे। और मैं नाज़रीन आपको बता दूँ, यहाँ फ्रेश स्ट्रीट के बहुत अच्छे अच्छे सॉसेज हैं, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं और आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये हॉट शॉट्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा। ये खुला हुआ नहीं, इसमें मिंट के मैंने पत्ते डाल दिए हैं 4 से 5। ठीक है, ये हम इसके ऊपर मैंने ये डाला, बड़ा मज़े का लगता है इनके सॉसेस। और ये चिली, थाई चिली सॉस है, ये हम इसके साथ सर्व कर देंगे हॉट शॉट के साथ। ज़्यादा हो गया सॉरी, तो हम साफ़ कर देते हैं टिश्यू पेपर से। अच्छा नाज़रीन, ये रेसिपी बहुत डिलिशियस लग रही है और ये जो इन्होंने ड्रिंक बनाया है ये बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक लग रहा है क्योंकि इसमें समर रस ऐड हो गया है। तो अब हम चलते हैं रीकैप ब्रेक पर, तो रीकैप ब्रेक देखें आप। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी अच्छी टेबल सजा दी है इन्होंने, इतनी मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं। और वो मटन जो है मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है। और ये हॉट शॉट्स भी आप लोग रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं। और ये सैलड भी बड़ी यम्मी सी लग रही है, हेल्दी, बहुत हेल्दी लग रही है क्योंकि ऑलिव ऑयल इन्होंने इसमें ऐड किया। और बड़ी झटपट सी रेसिपी भी है, मैंने देखा आपने बड़े जल्दी बनाया, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड जॉब, थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ कहना चाहेंगे लेजेंड होटल के बारे में? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली ड्रिंक और चीज़ हॉट शॉट ये तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ड्रिंक जो है वो आपको पता है रोज़ा खुलने के बाद सबसे पहली तलब इंसान को ड्रिंक की होती है, ड्रिंक की होती है। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं हम टीवी हम मसाला का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे फिर से बुलाया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर भी हम साथ प्रोग्राम करते रहेंगे। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम का। और इसके अलावा मैं ये ऑडियंस से नाज़रीन से ये कहूँगा कि आप एक बार लेजेंड होटल ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा मेयार और मकदार
और आपको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हर चीज़ आपको बड़े अच्छे से आपको मिलेगी। और जो हम आजकल रमज़ान के हवाले से हमारा मेन्यू चल रहा है उसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका तशरीफ़ लाने का इस्लामाबाद से। जी बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी अच्छी डिशेस बनाने का हमारे साथ। और व्यूवर्स भी आई होप के ट्राई करेंगे ये सारी रेसिपीज़। और आज के विनर्स मैं अनाउंस कर दूँ, मेकअप सिटी विन किया है मिसेस मुमताज़ कराची ने, वाउच 365 विन किया है सारा लाहौर ने, और लाल किला कराची महक ने विन किया है जो कि इफ्तारी और डिनर का वाउचर है, और लेजेंड होटल का इस्लामाबाद का वाउचर विन किया है अस्मा ने जो कि इफ्तार और सहर ने विन किया है लाहौर का वाउचर इस्लामाबाद का वाउचर इफ्तारी और डिनर का। अच्छा वो लिखा हुआ नहीं था ना सहर का। थैंक यू सो मच नाजरीन हमारा प्रोग्राम देखने का, और आप अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट ये होस्टिंग थी तो माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ गलती हो गई हो तो। और हम कल मिलेंगे फिर दोबारा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, हाफिज़। Lively weekends, lively weekends.